यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और जैसा कि आप सभी अपने सामने देख सकते हैं कि आज हम एंटोनिम्स का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने आपके लिए बना दिया है। अगर वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो सारे वर्ड्स आते होंगे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वर्ड्स को एक बार देख लीजिए जाके, क्योंकि एक वीडियो में 25 वर्ड्स होते हैं, मतलब 3 वीडियो में 75 वर्ड्स वहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ही का लॉस ना हो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए। बाकी अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आप देख सकते हैं आप अपने सामने, ये लिखा है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है टू प्रेस समथिंग और समवन वेरी मच, किसी इंसान की या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सराहना करना, बहुत ज़्यादा गुणगान करना, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रेज करना, इसे ही बोलते हैं एक्सटोल। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी सेंसर, क्योंकि सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो सराहना करना मतलब प्रेज करना और उसका अपोजिट क्रिटिसाइज करना, तो एक्सटोल और सेंसर एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। अब ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए इज हैकल। हैकल का मतलब होता है टोंट मारना, कमेंट पास करना, मतलब बीच में टोक देना। जब कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो जब वो बोल रहा है उसी बीच हम कुछ कमेंट पास कर दें, टोंट मारें या कुछ भी उसको बोल के टोक दें, उसे बोलेंगे टू हैकल। ऑप्शन बी मैंने आपको बता दिया सेंसर का मीनिंग, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। देन ऑप्शन सी इज हेट। हेट तो पतला ही है आप सभी को, नफरत। देन ऑप्शन डी इज स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है गलत काम के लिए डांटना या फटकार लगाना। जब बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, इसी को बोलते हैं स्कोल्ड। ठीक है, तो होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। एक्सटोल का मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बताया, टू प्रेज समथिंग और समवन वेरी मच। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेंसर। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है बिल्डिंग को तोड़ देना, ध्वस्त कर देना या बिल्डिंग को गिरा देना। ठीक है, ये हो जाएगा मीनिंग डिमोलिश का। इसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्ड, क्योंकि बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, अब ऑप्शन ए देखिए शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, डिस्प्लेस हो जाना या फिर ट्रांसफ़र हो जाना, इसे ही बोलेंगे शिफ्ट। देन ऑप्शन बी बिल्ड मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन सी इज रिपीट। रिपीट का मतलब होता है टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, किसी चीज़ को दोहराना, इसे बोलेंगे रिपीट। और ऑप्शन डी इज हाइड। हाइड तो आप सभी जानते ही हैं, छुपाना। होप आपको डिमोलिश का मीनिंग क्लियर है। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियल। जीनियल का मतलब होता है प्लेजेंट और फ्रेंडली, मतलब जो मैत्रीपूर्ण हो, अच्छे नेचर का हो, बहुत काइंड हो, उसे हम बोलेंगे जीनियल। अब इसका जो एंटोनिम है वो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी अनकाइंड, क्योंकि अनकाइंड का मतलब होता है अनप्लेजेंट, अमैत्रीपूर्ण। ठीक है, अब ऑप्शन ए देखिए स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, नासमझ। देन ऑप्शन बी इज स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है मिसरली, पार्सिमोनियस, मतलब कंजूस, जो पैसा खर्च करने में विश्वास ना रखता हो, जो पैसा खर्च करने का इच्छुक ना हो, बहुत कंजूस सा हो, उसे बोलेंगे स्टिंगी। ऑप्शन सी इज बोरिश। बोरिश का मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट, मतलब बैड मैनर्ड इंसान हो या फिर अनसिविलाइज्ड इंसान हो, उसे हम बोलेंगे बोरिश। तो होप आपको मीनिंग क्लियर है। जीनियल का मतलब हो जाएगा प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, जो अच्छे नेचर का हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, इसे बोलेंगे जीनियल। नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है क्रेडिबल, बिलीवेबल, एक्सेप्टेबल, मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा कथन जिस पर भरोसा किया जा सके, उसे बोलेंगे प्लॉसिबल, मतलब विश्वसनीय। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी इम्प्लॉसिबल। इम्प्लॉसिबल मीन्स जिस पर भरोसा ना किया जा सके, अविश्वसनीय। अब जो ए बी और डी ऑप्शन दिए हैं ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। इम्प्लॉसिबल, अनप्लॉसिबल या फिर डिसप्लॉसिबल कुछ नहीं होता। प्लॉसिबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्लॉसिबल। होप आपको क्लियर है। प्लॉसिबल मीन्स क्रेडिबल, जिस पर भरोसा किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज एंशियस। एंशियस का मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, वरिड, मतलब जो चिंता करता हो बहुत ज़्यादा, उसे बोलेंगे एंशियस। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी केयरफ्री, क्योंकि केयरफ्री का मतलब होता है अनवरिड,
बेफिक्र, बेफिक्रा, निश्चिंत, जिसको कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, उसे बोलेंगे केयरफ्री, और केयरफ्री एंशियस का एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक या फिर चालबाज, मतलब कोई इंसान जो कि गलत तरीके से कुछ प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कुशल हो, उसे ही बोलेंगे क्राफ्टी, मतलब चालाक हो जो। अब क्राफ्टी और क्लेवर में डिफरेंस है, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लेवर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सही रास्ते पे चल के कुछ प्राप्त करता हो, उसे हम बोलेंगे कुशल। और क्राफ्टी मतलब वो कुशल तो है लेकिन वो गलत रास्ते पे चल के चीज़ों को प्राप्त करता है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा क्लेवर और क्राफ्टी के बीच में, ठीक है। देन ऑप्शन बी इज लाइट, लाइट तो हल्का, इसका दूसरा कंटेक्स्ट में देखें तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश। केयरफ्री मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन डी इज केयरलेस, केयरलेस तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, रेकलेस, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे फ्रेंड्स जो आज हमने डिस्कस किए, होप आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हैं और इनका एंटोनिम क्या होगा ये चीज़ भी क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर मिलेंगे, कल हम लोग सिनोनिम का पार्ट डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।